हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिक्स्ड शॉप लार्ज रिटेलर्स, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बारे में, उसका डेफिनेशंस और उसके फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो लार्ज रिटेलिंग स्टोर में इंक्लूड होता है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और हर डिपार्टमेंट जो है वो वन लाइन प्रोडक्ट के साथ डील करता है। उसके कुछ फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के मेरिट्स, जिन्हें हम एडवांटेज भी बोलते हैं, एंड आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे डीमेरिट्स के बारे में। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के मेरिट्स, कन्वीनियंट शॉपिंग। डिपार्टमेंटल स्टोर ऑफर अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स। जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स अवेलेबल हैं वो सारे डिपार्टमेंटल स्टोर लार्ज वैरायटी ऑफ गुड के साथ डील करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर को या लार्ज नंबर ऑफ पीपल को वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं। कंज्यूमर को क्या चाहिए? बहुत सारे ऑप्शंस उसको चाहिए। वो उन ऑप्शंस में वो प्रोडक्ट को चूज़ करता है या करेगा जिसे वो पसंद करेगा या जिससे उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जब एक स्टोर अपने कंज्यूमर को मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तब कस्टमर जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट के फीचर्स को देखता है और उन्हें एनालाइज करता है। जिस प्रोडक्ट का फीचर उसे ज़्यादा अच्छा लगता है, रीजनेबल प्राइस रहता है, तो वो उसे परचेस कर लेता है और आफ्टर डैट वो उसे यूटिलाइज़ करता है। यूटिलाइज़ करने के बाद जब उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वो हर बार उसी प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट होता है। इसी कारण जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं, ताकि जो कस्टमर है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है, उसका इनकम लेवल ऑफ इनकम दूसरा है, टेस्ट प्रेफरेंस लाइक्स ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके एक रिटेलर जो है वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करता है अपने कंज्यूमर को। कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ हाउस होल्ड, ओके, ध्यान में रखता है कि जो कस्टमर है उसके हाउस होल्ड या डे टू डे लाइफ में उसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वह उसे कैसे पूरा कर सकता है। आर्टिकल्स एंड फॉर ऑल मेंबर ऑफ अ फैमिली। एक तो ये देखना है कि अगर डिपार्टमेंटल स्टोर में जितने भी पीपल विजिट करते हैं या कंज्यूमर विजिट करते हैं वहाँ पर उन्हें सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, चाहे वो हाउस होल्ड आर्टिकल्स के बारे में बात करें, ओके, या फैमिली मेंबर्स के नीड्स के बारे में बात करें या उनकी ज़रूरतों के बारे में बात करें, तो सारी चीज़ें एक छत के नीचे अंडर वन रूफ अवेलेबल होता है और ये कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंट होता है, यानी आसानी होता है, उसे स्टोर टू स्टोर विजिट नहीं करना पड़ता है। अगर डिपार्टमेंटल स्टोर अवेलेबल नहीं हो और छोटे छोटे रिटेलर्स अपने स्टोर को कैरी कर रहे होंगे मार्केट में, आज भी करते ही हैं, हम अगर मार्केट जाते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर्स को देखते हैं जो स्मॉल स्केल पर अपने बिजनेस को कैरी करते हैं, उनका भी एक अपना फिक्स शॉप होता है, बट जो लिमिटेड कैपिटल के साथ अपने बिजनेस को कैरी करते हैं, लिमिटेड पूंजी उनके पास होती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड एक व्यक्ति है जो बिजनेस करना चाहता है, जो रिटेलर बनना चाहता है और उसने डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन किए, तो डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन करने के बाद उसने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अपने स्टोर में अवेलेबल करवाया, डिफरेंट डिफरेंट और अलग अलग डिपार्टमेंट्स उसने क्रिएट किए और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग आइटम और प्रोडक्ट अवेलेबल है। वो इसीलिए है क्योंकि अगर कस्टमर एक बार डिपार्टमेंटल स्टोर में विजिट करे तो उसे हर डिपार्टमेंट में अपनी ज़रूरतों की चीज़ें अवेलेबल हो, जो उसको डे टू डे लाइफ में चाहिए होगा एज वेल एज जो उसके फैमिली मेंबर्स को चाहिए होगा। अगर वो हर दुकान या स्टोर टू स्टोर विजिट करेगा तो टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, ओके, फिर वो अगर अपना मैक्सिमम समय शॉपिंग में देगा तो अदर एक्टिविटी या काम को वो कैसे पूरा कर पाएगा।
इसीलिए डिपार्टमेंटल स्टोर कन्वीनियंस प्रोवाइड कराता है अपने कस्टमर्स को। फैमिली मेंबर्स की भी ज़रूरतें वहाँ पे पूरी हो रही हैं। हाउस होल्ड के जो आर्टिकल्स हैं वो भी वहाँ पर पूरा किया जा सकता है, यानी जो घर में जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो कहाँ से पूरा होगा। जब वो व्यक्ति मार्केट जाएगा तो मार्केट में जाने के बाद उसे वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो ऑन द अदर हैंड और फैमिली मेंबर्स भी अगर साथ जाते हैं तो वो भी अपने पसंद की चीज़ें उसी डिपार्टमेंटल स्टोर से परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। लार्ज वैरायटी अवेलेबल अंडर वन रूफ, लार्ज वैरायटी जो है वो कहाँ अवेलेबल होता है, अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे कंज्यूमर को बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे वैरायटी अवेलेबल हो जाते हैं जो कंज्यूमर के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, बहुत बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं। इससे कंज्यूमर का टाइम जो है वो सेफ होता है। एक जगह विजिट करके वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी जा सकता है। महिलाएं जो हैं वो हाउस होल्ड आर्टिकल्स भी परचेज कर सकती हैं एज वेल एज फैमिली मेंबर्स के नीड्स को भी पूरा कर सकती हैं। इनेबल्स कस्टमर्स टू सेव टाइम, और क्या ये मदद करता है, टाइम को सेव करने में मदद करता है। आज अगर हम बात करते हैं, हर व्यक्ति ये चाहता है कि अगर हमारा कुछ समय बच जाता है, टाइम सेव हो जाता है, तो हम अपनी दूसरी पेंडिंग एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ऑफिस भी जाना है, घर के भी काम करने हैं, अदर एक्टिविटी भी पूरा करना है, तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए कस्टमर ये चाहता है कि मैं थोड़ा सा समय बचाऊं। तो डिपार्टमेंटल स्टोर ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया है अपने लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर के लिए कि आप आइए हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर में विज़िट कीजिए, आपको एक छत के नीचे अंडर वन रूफ आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, आपका टाइम भी सेफ हो जाएगा। यही है कि आपको डिपार्टमेंट वाइज विज़िट करना पड़ेगा, एक छत के नीचे एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, तो कंज्यूमर को यहाँ से वहाँ कार से बाइक से ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। वो एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर में जा करके अलग अलग डिपार्टमेंट में विज़िट करके अपने नीड्स को पूरा कर सकता है। सेव टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ मेकिंग परचेज एट डिफरेंट प्लेसेस। ओके, अगर एक कंज्यूमर जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर विज़िट नहीं करता है तो फिर उसे कहाँ जाना पड़ेगा, मार्केट के उस स्टोर में जाना पड़ेगा जहाँ पर उसे सारी चीज़ें तो अवेलेबल होंगी, लेकिन उसे अलग अलग स्टोर में विज़िट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो मार्केट जाता है तो उसे इस स्टोर में विज़िट करना पड़ेगा, फिर ये थोड़ी सी दूर जाएगा तो फिर एक स्टोर यहाँ आएगा, फिर एक स्टोर यहाँ आएगा, तो उसे यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना होगा, तो उसे हर जगह पर स्टॉप होना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा, फिर स्टॉप होना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि उसका जो टाइम है वो किल होगा, बर्बाद होगा। तो टाइम को सेव करने के लिए फिर उसे अपने व्हीकल को भी यूज़ करना पड़ेगा, अगर वो कार यूज़ कर रहा है या बाइक यूज़ कर रहा है तो उसका एफर्ट भी उसमें लगेगा। ओके, अलग अलग स्टोर में उसे विज़िट करना पड़ेगा, फिर उसे डिफरेंट टाइम देना पड़ेगा डिफरेंट प्लेसेस पर, अलग अलग प्लेसेस पे जाना होगा तो अलग अलग समय लगेगा। अब एक व्यक्ति किसी एक स्टोर में जाएगा और एक ही समय में वो मल्टीपल चीज़ें परचेस कर सकता है। अगर हम शेल्फ़ पर बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में तो कंज्यूमर ईजिली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ से सारी चीज़ें परचेस कर लेता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब वो अलग अलग स्मॉल स्केल रिटेलर्स के पास जाता है या रिटेलिंग स्टोर में जाता है, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जो रिटेलर होता है वो एक होता है या उसका एक रिप्रेजेंटेटिव या स्टाफ भी होगा, तो एक से दो लोग होंगे जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ डील करेंगे। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में कंज्यूमर जो है वो अपने रिक्वायरमेंट्स को खुद प्रोडक्ट के पास जाकर के उसे परचेस कर सकता है। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर का टाइम है वो सेफ हो रहा है कि उसे अलग अलग प्लेसेस पर विजिट नहीं करना पड़ रहा है, वो अपने इस टाइम को सेव करके दूसरे एक्टिविटी को ईजिली पूरा कर सकता है। पॉइंट नंबर टू वी हैव इज इकोनॉमिक स्केल।
ओके। डिपार्टमेंटल स्टोर ऑपरेट एट लार्ज स्केल, डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो लार्ज स्केल यानी बड़े पैमाने पर उसे ऑपरेट किया जाता है। तो जब कोई चीज़ें बड़ी पैमाने पर ऑपरेट की जाती हैं या उसमें बहुत सारा चीज़ें लगता है तो उसका जो कॉस्ट होता है ऑपरेट करने में उतना ज़्यादा या उसको ईजिली हम लोग बेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें 10 प्रोडक्ट बनाना है, गुड्स को बनाना है, और एक साइड हमें 100 प्रोडक्ट को बनाना है, मेहनत तो उतना ही लगेगा, चाहे वो एम्प्लॉय का मेहनत लगे या ऑनर का मेहनत लगे। लेकिन अगर हमें एक बार में 100 बनाएंगे तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम बड़े पैमाने पर किसी बिजनेस को करते हैं तो इनिशियल स्टेज में या उसको कैरी करने के लिए हमें बहुत सारे कैपिटल की आवश्यकता होती है, लेकिन धीरे धीरे जब कंज्यूमर अट्रैक्ट होने लगते हैं, कंज्यूमर आकर के परचेस करने लगते हैं, तो वहाँ पे जो बेनिफिट होता है वो ऑनर को होता है। स्टोर ऑपरेट एट लार्ज स्केल एट दे कैन ईजली अवेल द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। लार्ज स्केल ऑपरेशन का जो बेनिफिट है, जो उसे ऑपरेट करने का एक लाभ है, वो उन्हें मिल जाएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर बाई गुड्स इन बल्क, देयरफॉर इट एंजॉय द बेनिफिट ऑफ स्पेशल डिस्काउंट। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्काउंट के बारे में। तो डिस्काउंट किसे ज़्यादा मिलेगा? उस व्यक्ति को जो ज़्यादा परचेस करेगा, वो बोलेगा कि मैंने आपके पास से ज़्यादा या लार्ज स्केल पर या बल्क में गुड्स को परचेस किया है तो मुझे डिस्काउंट मिलना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर एक व्यक्ति है उसने कम से कम परचेजिंग किया है, क्या उसे ऑनर डिस्काउंट देगा? शायद नहीं देगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने ज़्यादा परचेज किया है तो दुकान वाला उसे डिस्काउंट दे सकता है। उसी प्रकार डिपार्टमेंटल स्टोर जितने भी रिटेलर्स रन करते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं मैन्युफैक्चरर्स के पास, मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर के पास, और वो उनको बोलते हैं कि मैंने आपके पास से बल्क में गुड्स को परचेस किया है सो डैट मुझे डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो स्पेशल डिस्काउंट उनको मिल जाता है, और वो डिस्काउंट जब उन्हें मिलेगा तो उनका जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन उसी साइड अगर हम लोग स्मॉल रिटेलर्स को देखते हैं, वो रिटेलर जो अपने स्मॉल स्केल स्टोर को कैरी करते हैं, उनको मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा उतना बेनिफिट नहीं मिलता है या उतना डिस्काउंट नहीं मिलता है जितना डिपार्टमेंटल स्टोर को मिलने का चांसेस होता है या डिपार्टमेंटल स्टोर को मिलता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर का जो क्राइटेरिया है वो बड़ा है। डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट या गुड्स का जो क्वांटिटी होगा वो ज़्यादा होगा अगर हम कंपेयर करेंगे स्मॉल स्केल रिटेलर्स के स्टोर से। ओके, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं या एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करते हैं, वहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट्स में गुड्स को अवेलेबल रखना होगा क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट पर लोकेटेड है। लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर को ध्यान में रख करके इसको ओपन किया गया है, सिटी के सेंटर में ओपन किया गया है, ताकि जो हर एरिया के जितने भी कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर आके प्रोडक्ट को परचेज कर पाए। तो इसको ऑपरेट करने में सहूलियत होता है, आसानी होता है, और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज सेंट्रल लोकेशन। The departmental store are located at central places so that more and more people can approach this store easily. अगर एक स्टोर है वो सिटी के सेंटर में होगा तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वहाँ पर विजिट कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये हमारा शहर है और इस शहर के बीच में अगर डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है किसी ने, तो ये जो एरिया है सारे एरिया से इस के पास कस्टमर आएंगे, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट पर है, हर कस्टमर के लिए यहाँ पर पहुँचना या रीच करना इजी होगा। अगर वही स्टोर किसी एक साइट पर ओपन किया जाए तो यहाँ के कस्टमर यहाँ जाना ज़्यादा प्रिफर नहीं करेंगे,
वो ये बोलेंगे कि जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो उससे बेटर है कि यहाँ पे जो स्मॉल स्केल के जो रिटेलर्स हैं हम उनसे कांटेक्ट में आएंगे या उनके थ्रू ही हम शॉपिंग करेंगे। तो वहाँ पर जाने का मतलब ये होगा कि हमें टाइम देना पड़ेगा। ये हमारे घर के पास है, भले ही ये छोटा स्टोर है, तो इसीलिए जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो सेंट्रल लोकेशन में ओपन किए जाते हैं, या जो उनका लोकेशन होता है वैसा लोकेशन होता है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर को पहुँचना या रीच करना इजी होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर अगर किसी आउटसाइड एरिया में ओपन होता है तो वहाँ तक बहुत सारे कस्टमर रीच नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हुए उनके पास। अगर एक साइड में अगर हमने ओपन किया है तो हो सकता है कि बहुत सारे कस्टमर के पास अपना व्हीकल ना हो, अपनी गाड़ियां ना हो, सो डैट वो लोग वहां तक जाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वही सेंटर पॉइंट में होगा तो वो लोग किसी तरीके से वहां तक रीच कर सकते हैं। साइड एरिया में होगा तो वही लोग रीच करेंगे जिनके पास अपना व्हीकल है, अपने कार है। लेकिन सेंट्रल पॉइंट पे होगा तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल रीच कर सकते हैं इजीली। तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर को बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। इससे क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर जो है उस डिपार्टमेंटल स्टोर में विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन। मिडिलमैन को क्या करता है, ये एलिमिनेट कर देता है। अगर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन चेन पढ़ा है तो उसमें मैन्युफैक्चरर आता है, होलसेलर आता है, रिटेलर आता है, एंड फाइनल जिसके लिए प्रोडक्ट बनाया गया है दैट इज़ कस्टमर, वो आते हैं। तो मैन्युफैक्चरर के पास से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को रीच करवाने के लिए कुछ मिडिल मैन होते हैं जिनकी मदद से, हेल्प के थ्रू मैन्युफैक्चरर जो है वो कंज्यूमर के नीड्स को पूरा करता है, या हम ये कह सकते हैं जो मार्केट का डिमांड है उसको मीडिएटर के द्वारा, मिडिल मैन के द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो जितने भी छोटे छोटे रिटेलर्स हैं या स्मॉल स्केल बिजनेस जो ऑपरेट कर रहे हैं वो इस सीक्वेंस को या इस चेन को फॉलो करते हैं। रिटेलर्स जो स्मॉल स्केल वाले होते हैं वो कॉन्टैक्ट करते हैं होलसेलर के थ्रू, फिर होलसेलर जो है वो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, देन वो देता है मैन्युफैक्चरर को, एज पर द रिपोर्ट और डिमांड मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन करता है। लेकिन अगर हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करते हैं तो डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगा मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि उसे प्रोडक्ट चाहिए बल्क में। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो स्मॉल स्केल रिटेलर्स हैं वो बल्क में परचेज नहीं करते, वो स्मॉल लॉट्स में, यानी ज़्यादा बड़े पैमाने पे परचेज नहीं करते, अपने रेसिडेंशियल एरिया या उस लोकेलिटी को ध्यान में रख कर के परचेज करते हैं जहाँ पर उनका रिटेल स्टोर कैरी होता है या रन होता है। तो मान लेते हैं कि एक रेसिडेंशियल एरिया को ही उन्होंने टारगेट लिया है, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो सेंट्रल लोकेशन में है, सेंटर पॉइंट पर है। इसके लिए कोई एक रेसिडेंशियल एरिया या पर्टिकुलर एरिया तो उसका टारगेट नहीं है, पूरा का पूरा सिटी या टाउन हम बोल सकते हैं कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर का टारगेट है, या इसके स्टोर के कस्टमर्स बन सकते हैं वहाँ पर। अब ये जब भी अप्रोच करेगा तो बल्क में करेगा, लार्ज क्वांटिटी में करेगा। तो ये डायरेक्टली अगर होलसेलर के पास जाएगा तो होलसेलर अपना मार्जिन रखेगा, फिर वो मैन्युफैक्चरर को रिपोर्ट देगा, फिर मैन्युफैक्चरर उसके हिसाब से गुड्स को बनाएगा, देन आफ्टर वो मैन्युफैक्चरर के पास से वो होलसेलर के पास आएगा, फिर होलसेलर जो है वो रिटेलर को देगा। तो ये जो है ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर उसी होलसेलर को बीच से हटा दिया जाए और ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर ले मैन्युफैक्चरर्स के पास या प्रोड्यूसर के पास जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें कम से कम समय में या प्रॉफिट का जो मार्जिन है उनका ज़्यादा होगा जब वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे किसके पास, मैन्युफैक्चरर के पास। डिपार्टमेंटल स्टोर बाइज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो है वो डायरेक्टली गुड्स को परचेस करता है, खरीदता है किसके पास से,
मैन्युफैक्चरर्स के पास से एंड सेल देम टू अल्टीमेट कंज्यूमर, और वो उसे सेल आउट कर देता है किसे, अल्टीमेट कंज्यूमर को, जिनके लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया है. सो इट लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन. तो ये क्या करता है, मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देता है, इससे मिडिल मैन का कोई भी रोल नहीं रहता है एंड देयर प्रॉफिट मार्जिन. ओके, और जो होलसेलर का या जो मिडिल मैन का एक प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी उसे नहीं मिलता है, वो तब मिलेगा जब वो उसमें इंक्लूडेड होगा. लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो डायरेक्टली जब कॉन्टैक्ट करेगा मैन्युफैक्चरर्स के पास या प्रोड्यूसर के पास, तो उसे वहाँ से वो प्रोडक्ट मिलेगा. तो जो होलसेलर को मिलने वाला मार्जिन है अब तो वो उसे नहीं मिलेगा. तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का चांसेस हो जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर को. इससे ये फ़ायदा होता है कि कंज्यूमर को भी बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता है. मिडिल मैन अगर ज़्यादा होंगे तो कंज्यूमर पर वो बर्डन आएगा, क्योंकि एट द एंड कौन उसे कंज्यूम कर रहा है, तो अल्टीमेट कंज्यूमर जिसके लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया है, जिसके लिए सारे प्रोसेस को फॉलो किया गया है. तो एट द एंड जो सारे कॉस्ट को बेयर करता है वो होता है कंज्यूमर. तो जितने भी मिडिल मैन होंगे वो जो प्रॉफिट है वो सारे मिडिल मैन अपना प्रॉफिट रख करके गुड्स को सेल आउट करते चले जाएंगे या पास करते चले जाएंगे. इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट है वो इंक्रीज करता चला जाएगा. लेकिन अगर कम से कम मिडिल मैन होंगे तो प्रॉफिट अर्न करने का चांसेस डिपार्टमेंटल स्टोर को भी होगा और मैन्युफैक्चरर्स को भी होगा, लेकिन उतना ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज नहीं करेगा कि जितना मिडिल मैन और इंक्लूड होते चले जाएंगे. तो इससे टाइम जो है वो भी सेफ होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस करके किसको दे देगा, डिपार्टमेंटल स्टोर को दे देगा. तो यहाँ पे जो होलसेलर आएगा फिर वो अपने वेयर हाउस में स्टोर करेगा, फिर वहाँ से डिपार्टमेंटल स्टोर आएगा, तो ये टाइम टेकन हो जाएगा, इससे बचा जा सकता है. नेक्स्ट वी हैव इस पॉइंट नंबर 5, अट्रैक्टिव सर्विसेज. बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के द्वारा, ताकि वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाए या आकर्षित कर पाए. हम लोगों ने जब स्मॉल स्केल रिटेलिंग के बारे में पढ़ा था या स्मॉल स्केल रिटेलर्स के बारे में पढ़ा था, उसमें भी हम लोगों ने जनरल स्टोर्स के बारे में पढ़ा. तो जनरल स्टोर में हम लोगों ने देखा कि जो एक जनरल स्टोर का ऑनर होता है वो भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है अपने बायर्स को. वो बायर्स जो उसके स्टोर में रेगुलर विजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल क्रेडिट फैसिलिटी वो उन्हें देता है, फ्री होम डिलीवरी वो उन्हें देता है, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो उसके स्टोर में हमेशा विजिट करें. तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कभी उनके पास पैसा नहीं रहा या देने में असमर्थ हुए तो वो उन्हें क्रेडिट देगा, जब उनके पास पैसा आएगा तो वो उन्हें पेमेंट कर देंगे. तो इससे क्या होगा कि वो कस्टमर किसी और स्टोर पर विज़िट नहीं करेगा, वो उसी स्टोर से लेगा जिस स्टोर से वो लंबे समय तक लेता चला आया है. तो इससे फ़ायदा दोनों को होगा, कस्टमर को भी होगा और रिटेलर को भी होगा, कि वो कस्टमर फिर उसके पास से दूसरी ओर मूव ऑन नहीं होगा. उसी प्रकार जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो भी कुछ अट्रैक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर को, ताकि जो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर हैं वो उन्हीं के पास आए या उन्हीं के डिपार्टमेंटल स्टोर में बार बार विजिट करें. इससे फ़ायदा ये होगा कि जो उनका सेलिंग है वो इनक्रीज कर जाएगा. आजकल हम देखते हैं कि जितने भी स्टोर्स हैं वो बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं. कारण ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है. जब कंपटीशन इंक्रीज कर जाता है और हर रिटेलर जो है वो एक अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, जब हर सेलर अच्छा प्रोडक्ट या अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, रेट में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, तो फिर भी कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए अब कुछ लोगों ने या कुछ रिटेलर्स ने सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया है, और वो सर्विसेज जो हैं वो होलसेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है. दो स्टोर है, दोनों का प्रोडक्ट एक जैसा है, दोनों के प्रोडक्ट का क्वालिटी एक जैसा है, दोनों के प्रोडक्ट
का प्राइस एक जैसा है, लेकिन एक का सेलिंग बहुत ज़्यादा है और एक का सेलिंग उतना ज़्यादा नहीं है। कारण ये है कि एक स्टोर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है या आफ्टर सेल सर्विस हम क्या है कह सकते हैं, और दूसरा स्टोर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवाता है। तो कस्टमर उसी ओर जाएगा जहां पर उसे ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रेडिट फैसिलिटी हम लोगों ने देखा, तो क्रेडिट फैसिलिटी वही स्टोर देगा तो कस्टमर भी उसी स्टोर के पास जाएगा, क्योंकि कल को अगर उसके पास पैसा नहीं हो तो वहाँ से एक ऑप्शन है कि वो क्रेडिट पर प्रोडक्ट को ले सकता है, आफ्टर डैट उसका पेमेंट कर सकता है। मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड न्यूमरियस सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स, अपने बहुत सारे कस्टमर्स को वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो उनके कस्टमर हैं वो उनके ही डिपार्टमेंटल स्टोर में बार बार विजिट करें और जिससे वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाए। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 6, ओके, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एज आर डिपार्टमेंटल स्टोर इज ऑर्गेनाइज एज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, डिपार्टमेंटल स्टोर को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है लाइक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि जो इसका क्राइटेरिया होता है वो बड़ा होता है, बहुत सारे लोग इसमें इंगेज्ड होते हैं, तो एक ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरह काम करता है। ओके, विथ साउंड फाइनेंशियल पोजिशन, जो इसका फाइनेंशियल पोजिशन होता है या जो इसमें कैपिटल लगता है वो बड़े पैमाने पे लगता है। एक छोटे से स्टोर में कितना पैसा लग सकता है, बहुत लगाए तो उतना नहीं लगेगा जितना डिपार्टमेंटल स्टोर में पैसा लगेगा, लेकिन जब डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत सारा पैसा लग रहा है तो हर पैसे को सही से यूटिलाइज करना या उसका उपयोग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है ये भी ध्यान में रखना होगा। तो इसके लिए एक बॉडी फॉर्म करना होगा, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि इसमें भी कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं जो हर एक चीज़ को सुपरवाइज करते जाते हैं। इट कैन इम्प्लॉय स्पेशलिस्ट विथ एक्सपर्ट नॉलेज, ये भी कुछ स्पेशलिस्ट को हायर करता है, उन्हें भी जॉब पे रखता है ताकि वो क्या कर पाए, अपने नॉलेज के हिसाब से इस डिपार्टमेंटल स्टोर का ग्रोथ हो पाए या उनके थ्रू ग्रोथ हो पाए। अगर एक स्किल्ड पीपल किसी भी बिजनेस का पार्ट पर बनता है तो वो अपने नॉलेज से, अपने हुनर से, अपनी एबिलिटी से उस बिजनेस को और डेवलप करने का प्रयास करता है। उसी प्रकार डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर को रन किया जाता है। अगर कैपिटल लग रहा है और उसको हम सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो सारे के सारा जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगा। तो डिपार्टमेंटल स्टोर भी वैसे लोगों को हायर करता है जो एक्सपर्ट हैं या जिनके पास अच्छा नॉलेज है या जो उस फील्ड में बेटर कर सकते हैं। एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ बाइंग, खरीदने यानी जो रिसोर्सेज है या जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कैसे हम परचेस कर पाएंगे, एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग प्राइस। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को या डिपार्टमेंटल स्टोर को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवा सकते हैं। वो ये बताएंगे कि आपको कैसे अपने स्टोर को एडवर्टाइज करना है या आपके स्टोर में जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उन प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर तक रीच करवाना है, अपने डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में कंज्यूमर को अवेयर करवाना है, जागरूक करवाना है, तभी तो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर जो हैं वो इस पॉइंट पर आकर के सेल परचेस कर पाएंगे। आप क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे दूसरे प्रोडक्ट के साथ या अपने प्रोडक्ट को इतना अट्रैक्टिव बनाओगे या प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताओगे, प्राइस के बारे में बताओगे, सो डैट कंज्यूमर जो है वो आपके स्टोर में विजिट करके आपके गुड्स को परचेस कर ले। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज पॉइंट नंबर 7, प्रमोशन ऑफ सेल्स। इट कैन अफोर्ड हेवी एडवर्टाइजिंग, ये क्या अफोर्ड कर सकता है, तो अफोर्ड कर सकता है हेवी एडवर्टाइजिंग को, कस्टमर को कैसे एडवर्टाइज करके बताया जाए और वो भी जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो बड़े पैमाने पर होगा, लार्ज स्केल पर होगा, बिकॉज ऑफ देयर साउंड फाइनेंशियल पोजिशन,
क्योंकि जो उस कम रिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत अच्छा है। अगर डिपार्टमेंटल स्टोर रन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने सारी नीड्स को पूरा कर रहा है, उसके पास सफिशियंट कैपिटल है जिसके थ्रू वो अपने नीड्स को पूरा कर रहा है, और ये कैपिटल जो है या पैसा जो है वो हेल्प करता है इन इंक्रीजिंग देयर सेल वॉल्यूम। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा या अट्रैक्टिव वे में एडवर्टीजमेंट करेंगे तो वो अपने सेल को भी इंक्रीज कर पाएंगे और एट द एंड कस्टमर जो हैं वो उस ओर अट्रैक्ट होंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने केवल मेरिट्स के बारे में डिस्कशन किया है डिपार्टमेंटल स्टोर का। मेरिट नंबर 1 कन्वीनियंट शॉपिंग, इकोनॉमिकल स्केल, सेंट्रल लोकेशन, एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन, अट्रैक्टिव सर्विसेज, प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड प्रमोशन ऑफ सेल, ये 7 पॉइंट्स हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर।